नमस्कार। आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी से ये देखेंगे कि किस प्रकार हम खेल खेल में संख्याओं के गुणजों के बारे में सीख सकते हैं, यानी उनके मल्टीपल्स के बारे में सीख सकते हैं। जैसा कि इस छोटे से अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं, हमने कुछ पुश पिंस को एक सीधी रेखा में लगाया है और इन पर कुछ धागे भी लगे हैं। ये धागे किस प्रकार से लगाए हैं अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यदि आप इस हरे रंग के धागे को देखेंगे, यह दो के पहाड़े को दर्शाता है। दो, दो दुनी चार, तो ये धागा घूमकर चार पर ही आया है। उसके बाद दो तिया छः, तो ये घूमकर छवीं पिन पर आया है। उसके बाद घूमकर यह आठवीं पिन पर आया है और उसके बाद घूमकर यह है दसवीं पिन पर और फिर बारहवीं पिन पर। इस प्रकार से यह हरा धागा दो के पहाड़े को दर्शा रहा है। दो, चार, छः, आठ, दस और बारह, इस प्रकार से इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखते हैं इस नीले धागे को। यह नीला धागा तीन के पहाड़े को दर्शाता है। एक, दो, तीन, छः, नौ और बारह, इस प्रकार से तीन, तीन दुनी छः, तीन तिया नौ और तीन चौके बारह। तो अभी आपने ये देखा कि हरे और नीले के धागों से हमने दो और तीन के पहाड़े को दर्शाया है। अब हम देखेंगे कि इनके सांझे गुणज कौन कौन से हैं। मैं अपने साथी को कहूंगा कि इसे थोड़ा जूम करके हमें दिखाए। यह हरा धागा और नीला धागा दोनों अलग अलग बिंदुओं से चले, उसके बाद हरा धागा चार पर और नीला धागा छह पर आया और हरा धागा फिर चार के बाद छह पर आया। इसका अर्थ यह है कि छह बिंदु पर सबसे पहले हरा धागा और नीला धागा आपस में मिल रहे हैं, यानी छह वह छोटी से छोटी संख्या है जहां हरा और नीला धागा सबसे पहली बार मिले हैं। इसका अर्थ यह है कि छः दो और तीन का लघुत्तम है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसी प्रकार से हम इस अरेंजमेंट में अलग अलग संख्याओं के गुणजों को धागे की मदद से दर्शाकर उनके एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं।